सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। उम्मीद करदा तुसीं चढ़दी कला च होवोगे। अज दी वीडियो दे विच मैं तुहानूं उस बंदे बारे पढ़ के सुणाऊंगा जिस जिहड़ा बंदा कि उहनूं कहिंदे हुंदे मेरा मेरा आइडियल आ लाइब्रेरी बनाउण वास्ते। मेरा आइडियल आ जिहड़ा बंदा, आइडियल ही हुंदा ना आदर्श, जिस बंदे बारे सुण के मैं पन्नू साहब दे मूहों मेरे दिमाग च आया कि फिर मैं क्यों नहीं लाइब्रेरी बना सकदा लोकां दे सहयोग नाल। वो बंदा एक साधारण मजदूर सीगा ते मैं अपने आप नूं उत्तों बहुत चंगी हालात विच समझिया, फाइनैंशियली तौर ते भी हर तरह नाल, तां इह शुरू हो सकी। उस बंदे बारे पढ़ के मैं सुणाउणा ना, महाराशी नाम दा बंदा सी ओह, और पन्नू साहब दी किताब ईरान ते ईरानी। ओह एक ईरानी सी, उत्थे पन्नू साहब जदों गए उहदे बारे पता लगा, तां जो भी उहनां ने लिखिया इस किताब च उहदे बारे थोड़ा जिहा ही आ, मैं तुहानूं सुणाउणा। कहिंदे फिर 5 मई नूं दुनिया भर दी प्रसिद्ध लाइब्रेरी देखण गए जिस दा नाम है किताब खानाए महाराशी नजफी। 7 मंजिला दी इमारत है जिस दियां 2 मंजिला जमीन विच हन। नजफी गरीब घर विच जम्मिया सी, मजदूरी करन लगा, 25 साल दी उम्र दा सी जदों देखिया कि एक गोरा कुरान दी सोहणी सेंची खरीद के लै गया। महाराशी ने पुछिया अरबी इन्हां नूं आउंदी तां है नहीं, ना इन्हां दा ईमान है इस विच, फिर इहो क्यों खरीदते ने कुरान नूं। उस नूं दस्सिया गया कि इह पुरानियां लिखतां बहुत कीमती खजाना हुंदा है, असीं गरीब लोग इह डालरां बदले इन्हां नूं दे दिंदे हाँ। महाराशी ने दिल विच ठाण लई कि मैं इह खजाना लुट्टे जाण तों बचावांगा। उह 8 पहरां विच इक वक्त रोटी खांदा। जिहड़े धनवान खुद हज करन दे समर्थ ना हुंदे उहनां तों पैसे लै के हज कर आउंदा ते बचत नाल कोई पुरानी पेंटिंग कोई किताब खरीद के संभाल लैंदा। अंग्रेज़ नूं किताब खरीद दे देखिया तां उस नाल लड़ पिया। गोरा जिन्ने पैसे दिंदा सी महाराशी कोल नहीं सन, पर उसने गोरे नूं कुट दिता। पुलिस कोल शिकायत होई, जेल दी हवा खाधी। हौली हौली लोकां नूं उस दे जनून अते ईमानदारी दा पता लगा तां सहायता मिलनी शुरू हो गई। अखीर विच शोहरत नूं सरकार ने कबूल करदिआं उस नूं आयतुल्ला दा खिताब दिता ते लाइब्रेरी उसारन वास्ते धन मिलिआ। लाइब्रेरी दे मेन गेट उपर लिखिआ है इह इमारत किताबां दी जेल नहीं है, इन्हां किताबां नूं इत्थों आजाद करके अपने घर लिजा के पढ़ो। वाह, लाइब्रेरी विच खल उपर उकरिआ 1300 साल पुराना कुरान पिआ है जिस दे अरबी अखरां उपर जेर जबर नहीं हन। लंडिआं वांग उस जमाने लगा मात्रा तों बगैर कम चलाया जांदा सी। अबुल असबद जो अरबी दा माहिर सी ते कुरान दा हाफिज, उसने इस दी दूजी इस नाल मिलदी नकल तैयार करवाई। असबद ते उचारण अनुसार इस दे जेर जबर लाए गए। महाराशी ने उर्मची शहर विच्चों चीनिया दी हाथ लिखत कुरान हासिल कीती जिस लिखत नूं खत बहारी कहा जांदा है। पुराणियां अरबी फारसी लिखतां वख वख शैलियां विच हन, तैमूरी, तहरानी, सफवी, औजारी, शिराजी, इस्फाहानी, कश्मीरी लिपी शैलियां दे डिजाइन मोहित करन वाले हन। घोड़े दे एक वाल नूं बतौर निब वरतदिआं बेअंत बरीक लिखतां हन जो केवल लेंस नाल पढ़ियां जा सकदियां हन। बकरे दी खल उपर दाऊद दी पुराणी लतीनी अंजील पई है जिस दे 200 पन्ने हन ते 16 किलो भार है। इथोपियन, इबरानी ते आर्मीनी लिपी विच अंजीलां हन। पाली, तिब्बती, बर्मी ते गुरमुखी दीआं पुराणियां लिखतां पईआं हन। महाराशी ने दोस्तां नूं खत लिखिआ, जे मंगण ते किताब ना दिआं तां बुरा ना मनाउणा, आपणी महबूब कौण किसे दूजे नूं दिंदा है। वाह, इक होर खत लिखिआ कि इस वेले मेरी जेब विच 35 तुमान रकम है, केवल कर्जा बहुत देणा है। मेरे कोल 30,000 किताबां हन पर रखण लई चंगी थां नहीं है। मैनूं इस वक्त भुख लगी हुई है, घर विच एक दाणा खाण वास्ते नहीं। या खुदा, फिर भी तेरे अलावा मैनूं किसे ते इतबार नहीं। महाराशी नजफी। उसदे जिउंदे जी इमारत पूरी हो गई, सरकार पास हिंदुस्तान जाण दी ख्वाहिश जाहिर कीती, उस नूं डिप्लोमेट पासपोर्ट दिता गया। तुरंत तों पहलां उसने कहा भारत विचले सफारतखाने नाल गल करवाओ। सफीर नाल फोन मिलाया गया, सफीर ने कहा हजूर मैं आप नूं लैण हवाई अड्डे ते आवांगा, जो थावां देखणियां हन दस दिओ, उत्थे ले जाण दा प्रबंध कर देंगे।
महर्षि ने कहा मैं कोई लाल किला या ताजमहल देखने लिए नहीं आना। अज तक सारी दुनिया तो वधीक फारसी दी किताबा हिंदुस्तान में छापिया गई, पहला हत्था नाल फिर मशीना नाल, इस करके इस पाक जमीन नू सजदा करना है। दूजा नवल किशोर ते मोती लाल बनारसी दास दे खानदाना नू इतलाह करो, जदों इन्हां नू पता लगेगा कि महर्षि नजफी आ रहा है तो मैनू लैण वास्ते ये तुहाडे तो पहला जहाज घर पुजे होणगे। इन्हां दे घरां दी ज़ियारत पहला करांगा, फिर तुहाडे सफारतखाने जावांगा। फारसी साहित छाप के इन्हां खानदाना ने ईरान नू अमीर किया है। मैं मंगदा तां इन्हां दे बजुर्ग मैनू नयाब लिखता भेजदे रहे, मरन तो पहला शुकराना ना किया तां अल्लाह नाराज होवेगा। उसकी दूजी ख्वाहिश यही सी कि लाश हरम विच नहीं उसकी लाइब्रेरी के बूहे दियां पौड़ियां हेठ दफनाई जाए। किताबां दे आशक मेरे बच्चे जदों मेरे उपर दी लंघणगे इन्हां दे कदमां दी छोह नाल मैनू सकून मिलेगा। वसीयत उपर अमल किया गया, कबर उपर ये अखर उकरे हुए हैं जो उसकी मौत तो 10 दिन पहला खुद कागज़ ते लिखे सन। किताब चों जमया, किताब करके जिंदा रहा, हुण किताबखाने विच आराम करांगा। आयतुल्ला महर्षि नजफी। अज इस लाइब्रेरी विच 31,000 दुर्लभ हथ लिखता हैं, पुराने फटे ते अद्धे अधूरे वरके पूरे करन लई उसे रंग दा कागज़ तैयार करके इउं पेस्ट कर दिंदे हन जिवें कि तुसीं पछाण नहीं सकोगे किते जोड़ लगा होवे जां शेड दा फर्क पिया होवे। हुण उसदा बेटा सैयद महमूद महर्षि इस लाइब्रेरी दा चीफ है, उसनूं हुजतुल इस्लाम भाव इस्लाम दा दार्शनिक दी उपाधि मिली है। उसने सानूं दस्सिया कि मैं 3 वार हिंदुस्तान दा दौरा कीता है। हिंदुस्तान विच मीर हामिद हुसैन वड्डे विद्वान सन, उन्हां दी कबर आगरे विच है। दूजे दानश्वर दिलदार अली नसीराबादी, इन्हां दो हिंदुस्तानियां ते सानूं फख्र है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दी लाइब्रेरी चंगी है, हैदराबाद गया तां दुख होया कि लुक छुप के सलार जंग विचलियां नयाब किताबां यूरोप नूं वेचियां जा रहियां ने। साढ़े कोल इकल्ले नवल किशोर दियां भेजियां 500 फारसी किताबां हन। कलकत्ते दियां 220 साल पहलां दियां पुरानियां छापां साढ़े कोल हन। आगरे काजी नूरुल्ला दी कबर उपर चादर चढ़ाउण गए तां देखिया उत्थे कवाल खूबसूरत धुनां विच कसीदा गा रहे सन। मैं गाउण नूं कुफर मन्नदा, मैथों रिहा नहीं गया, मैं भी नाल गाउण लग पिया। साढ़े ते बड़े मेहरबान हन हिंदुस्तानी। वापसी कार विच बैठिया अंसारी ने दसिया वेख्या सारा दिन किवें चाह नाल महमूद अपने अब्बा दियां गल्लां भी करदा रहा ते लाइब्रेरी भी दिखाउंदा रहा। विदेशी मेहमानों नूं इह खुद अटेंड करदा। इस दी अम्मा ने सानूं दस्सिया सी कि बचपन तो यह बच्चा सूखम सुभाव वाला सी। 5-6 साल दे नूं जदों मैं आखदी जा अब्बू नूं जगा के दुध पिया तां यह नज़दीक जाके आवाज़ नहीं मारदा सी, ना हाथ ला के उठण वास्ते कहिंदा, अब्बू दे पैर नाल अपनी गल छवाया करदा सी। बिना दस्सिया एक दिन मैं खलील गंभरी दे घर चला गया। घंटी खड़काई, आवाज़ आई, कौन? मैं अपना नाम दस्या। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लंघ गए, दरवाज़ा ना खुलिया। मैनू गुस्सा आ गया कि मुड़ जावां। आखिर दरवाज़ा खुलिया तां मैं गुस्से नाल कहा, तुहानू चंगा नहीं लगा मेरा आउणा? यह गल है तां इजाज़त दे, चला जाना। उसने कहा तुसीं कड़ा दस्या सी आउण बाबत? मैं एवें बैठा सी मलंगा वांग, तुहाडा नाम सुनिया तां की मैं इस तरह आ जांदा? एडा वड्डा शाना वाला सरदार मेरे घर आवे, फिर मैं उन्हूं अंदर ले जाण लई तैयारी नहीं करनी सी। मैं फटाफट घर ठीक किया, फिर लिबास पहनिया, देर तो मैं लाई नहीं कोई, फिर वह रोण लग पिया। एक गल रूहानी नूं दसी तो उसने कहा किसी ईरानी नूं झिड़कना नहीं, उच्ची उच्ची गल नहीं करनी, ये फट रोण लग जाते ने न्याणियां वांग। सचमुच ईरानी सोहणे भी बहुत हुंदे आ, तां दिल दे भी कहिंदे बड़े सोहणे आ। इन्होंने ज्यादतियां भी बहुत झलियां, इन्हों की हिस्टरी पढ़ने वाली आ। एक किताब च यही कुछ आ, एक किताब जरूर पढ़ो। मैं ये भी तुहानू कह दिना, मैं यदि रिव्यू किया भी इस चैनल पर, फिर कह दिना किन्ने पेज आए भी दस दें। चलो ये पेज है जी 304, 300 पेज की किताब आ।
ईरान की सारी पिट भूमि ईरान की हिस्टरी हरेक देश की अपनी जद्दोजहद होंगी है एक ना पैर पर आने लो उन्होंने मौजूदा हालात आ हरेक देश की जद्दोजहद होंगी है पूरी दुनिया च देश जेड़े आ किसी ना किसी समय किसी ना किसी दूसरे वालों लताड़े गए सी बहुते देश उन्होंने हालातों चो बहर आ के अपने आप में आजाद सरकार बना के तो वधिया शासन चला रहे पर अज भी उत्तरी कोरिया वर्गे देश वो जूझ रहे इस चीज़ ना वो लोग अजे पिछे आ वो लोग पता नहीं 50-100 साल ये गल करे कि इदा गुलाम होने से पीढ़िया तो तानाशाही गुलामी चल रहे अज पीक ते आ जुलम जिहड़ा आ पता नहीं वो लोग इनू किदा सह रहे ना उन्होंने पूरी दुनिया नाल करेक्शन कट्टिया गया आ बस इन्नी दबी हुई जिंदगी जी रहा कि एक वो ही दसूगा उन्होंने कि तुम वाल भी किदा कट्टने अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते मर्जी ना हस नहीं सकते कुछ खास दिनों से जिदन वो कहूगी गौरमेंट उदन हसना ही पेगा सबन कि अज मेरे वो कहता कि प्यो की बरसी है तो अज कोई नहीं हसूगा किसी का लख जन्मदिन हो कुछ हो ना कोई खुशी करेगा ना कोई ब्याह करू ना कुछ उदन सब के मूँह उतरे चाहिए आ रोना पेगा सबनों ये जुलम अज भी जिदा पुराने सुनते होंगे सी पुराने है ना बादशाह दी खूंखार गल्लां अज भी है कुछ देश एक दुख देश तो भाव के ईरान ने की कुछ लिया तो वो ये दर्ज है ठीक है ईरान तो ईरानी किताब पढ़ने वाली है ईरान तो ईरानी ये ईरान बारे तो पता लगेगा ही ईरानिया बारे भी पता लगेगा तो इस यहूदियों बारे भी पता लगेगा कि उन्हों की सब तो बद मैं तो मैनू तो एक बार ये लगा सी भी किताब का नाम ही पन्नू साहब ने गलत रख दिता ठीक है ना यदा ना तो होना चाहिए सी ईरान के यहूदी यहूदियों बारे च कल ईरान नालों ज़्यादा गल यहूदियों का पिछोकड़ की आ कि उन्होंने जुलम की जड़ बजती आ जोड़ा अज चल रहा ना असं देखते इजराइल का आ फलस्तीन हमास वगैरह का रौला जोड़ा पिया उसका मुढ़ की आ सारा दसिया उन्होंने इन्नी बरीकी एक एक गल दसी आ कोई शक रह नहीं जाऊगा उस मसले बारे जरूर पढ़ो किताब कोई नेड़े तेड़े हो तुम हाँ तो लाइब्रेरी चो पढ़ सकते हैं जेडे दूरों देख रहे आए लाइब्रेरी हुशियारपुर के पिंड धूत कलां के बार बार गुरुद्वारा प्रीतमपुरा विखे स्थित आ ठीक है जी तो उदा ये खरीद के तक कितों भी मिल जाऊगी पन्नू साहब की किताब बहुत चर्चित किताब आ हरपाल सिंह पन्नू सो बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने चैनल पर नवे आते सबसक्राइब कर लेना तो हर वीडियो थोड़े तक पढ़ती रहे बहुत धन्यवाद सत श्री अकाल।